मानसून सत्र चल रहा है और मुद्दा गरमाया हुआ है महंगाई का। विपक्ष पानी पी पी कर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस एक तरफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है तो वहीं सदन में भी खूब हंगामा मचा रही है। महंगाई को लेकर देश में मची चीख पुकार को मोदी सरकार के सामने लाना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जो विपक्षी नेता महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा हो वो खुद भी उस महंगाई से जरूर जूझ रहा हो, ऐसा अमूमन नहीं होता। सदन में बैठकर हंगामा करने वाले विपक्षी भी महंगी महंगी कारों से सदन पहुंचते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई फाई होता है। महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड जूते चप्पल और यहां तक कि ब्रांडेड बैग्स का भी ये शौक रखते हैं। सस्ती ब्रांड्स भी इनको खास पसंद नहीं आती। अब लोकसभा का ही नजारा आपको दिखाएं तो लोकसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष महंगाई के मुद्दे पर बोल रही थी। उन्होंने तो कच्चा बैंगन भी सदन में खाकर दिखाया। इसी सब के बीच में उनके बिल्कुल बगल में बैठी थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। अब जब काकोली घोष बोल रही थी तो बगल में बैठी महुआ मोइत्रा भी कैमरे के फ्रेम में आ रही थी। ऐसे में महंगाई के मुद्दे पर बहस को गरमाते देख अचानक महुआ मोइत्रा को न जाने क्या लगा, अपने साइड में रखा ब्रांडेड बैग महुआ मोइत्रा ने छिपा दिया। महुआ मोइत्रा महंगाई पर हो रही बहस के दौरान अपना बैग नीचे रखती दिखाई दी, जिस बैग की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है, जो कि लुई वुइटन ब्रांड का बताया जा रहा है। और अब जब कैमरे में महुआ ये सब करती यानी कि बैग छिपाती पकड़ी गई तो फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गई। राजपाल दूलर ने लिखा, संसद में जैसे ही महंगाई पर बहस आरंभ हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपना $2500 का हैंडबैग बेंच के नीचे छिपा दिया। महुआ मोइत्रा का लाखों रुपए की कीमत के बैग पर सदन में महंगाई पर चर्चा के दौरान कैमरे का फोकस पड़ता है तो उठाकर नीचे रख देती है। त्रिशूल अचूक ने लिखा, महुआ मोइत्रा जी सांसद टीएमसी, महंगाई पर बहस के दौरान अपना 2 लाख रुपए की कीमत का ब्रांडेड बैग छिपाते हुए क्या उम्मीद करें आप? जैसे पड़ोसी ने महंगाई कहा तुरंत छिपाया। रिनिति ने मोइत्रा के मन में आ रहे विचारों को लेकर मजाकिया अंदाज में लिखा कि कहीं ये लुई स्विटन वाला बैग ईडी वाले ना देख ले। अरुण कुमार सिंह ने लिखा, लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपना लगभग 2 लाख रुपए का लुई व्यूटन कंपनी का बैग छिपाते हुए कैमरे में कैद ली। इन दिनों बंगाल में जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है उससे माना जा रहा है कि टीएमसी नेताओं में खौफ है और वो किसी भी तरह से ईडी की नजर में नहीं आना चाहते। तो क्या इसीलिए महुआ मोइत्रा ने बैग छिपा दिया या इसीलिए छिपा दिया कि महंगाई पर बहस के दौरान विपक्ष का पाला कहीं मोइत्रा के बैग से कमजोर न पड़ जाए? अब मोइत्रा ने जब बैग छिपा दिया तो वो ज्यादा नजर में आ गई। वो बैग नहीं छिपाती तो एक बार को जरूर कैमरे की नजर से बच भी जाती। बता दे लुई विटन मेलेटियर, जिसे आमतौर पर लुई विटन के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस और कंपनी है जिसकी स्थापना 1854 में लुई विटन ने की थी। लेबल का एलवी मोनोग्राम इसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर दिखाई देता है, जिसमें लग्जरी बैग और चमड़े के सामान से लेकर रेडी टू वेयर जूते, घड़ियां, गहने, एक्सेसरीज, धूप का चश्मा और किताबें शामिल है। इसी ब्रांड के बैग को लेकर लोकसभा में बैठी महुआ मोइत्रा ट्रोल हो गई। मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद है। वो साल 2019 में बीजेपी के कल्याण चौबे को 63,000 मतों से हराकर पहली बार लोकसभा पहुंची हैं। इससे पहले वो विधायक रह चुकी हैं। साल 2016 में उन्होंने दशकों से लेफ्ट पार्टियों के कब्जे वाले करीमपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। टीएमसी में शामिल होने से पहले महुआ मोइत्रा कांग्रेस में थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था। अब आप महुआ मोइत्रा के बैग छिपाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बैग छिपाकर गलत किया या सही, या उनके बैग छिपाने को लेकर टीएमसी सांसद को यूं ट्रोल किया जाना सही है भी या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।